प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने पीएम मोदी के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को झूठ बोलने वाले और प्रचार प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। वो केदारनाथ में पूजा तो करते हैं, लेकिन केदारनाथ के सुधारीकरण के लिए उन्होंने कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया। मंत्री आएगा वो सबका प्रधानमंत्री है, बशर्ते कि वो चुनावों में प्रचार करने वाला प्रधानमंत्री ना हो। क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी को 8 साल से 2 ही चीज के लिए जानता हूँ, एक झूठ बोलने के लिए, दूसरा प्रचार प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन उत्तराखंड में आकर अगर वो कुछ अच्छा काम करे, केदारनाथ बाबा की गुफा में ध्यान तो करते हुए मैंने उनको देखा, लेकिन केदारनाथ के लिए कोई एक्स्ट्रा बजट देते हुए, केदारनाथ के सुधारीकरण के लिए कोई बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया हो, मैंने ऐसा नहीं देखा। क्योंकि जहाँ हरीश रावत जी केदारनाथ जी को त्रादेशी के बाद छोड़ के गए थे, लगभग वही स्थिति आज भी है। यूकेडी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी के द्वारा देहरादून स्थित यूकेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने अंकिता हत्याकांड को लेकर कहा कि मामले से जुड़े कई सारे प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने पीएम के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि 21 तारीख को यूकेडी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन प्रश्नों को पूछेगी। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर पार्टी ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता शिव प्रसाद सेमवाल करेंगे। जो बेटी अंकिता की हत्या हुई है, उसके मामले में जो भी जांच हो रही है, उसमें कई शक सुबह अभी भी बाकी हैं। इसलिए यूकेडी ने बहुत शिद्दत से सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है, तो अभी भी बदस्तूर जारी है जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है। हमारी मांग जारी रहेगी और इसके लिए हमने अपनी ओर से भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्णय किया है, जो तमाम तथ्यों को पार्टी स्तर पर इन्वेस्टिगेट करेगी। ये देखेगी कि कहां पर क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पुलिस की इंक्वायरी के अलावा 2 इश्यूज रहेंगे प्रधानमंत्री के सामने, अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटालों की सीबीआई इंक्वायरी की जांच हम मांगेंगे। चाहे उनको मिलके कहेंगे, प्रशासन अगर व्यवस्था करेगा तो मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ज्ञापन देंगे। प्रशासन अगर इसकी इजाज़त नहीं देगा तो अपने ढंग से इस तरह से उन तक बात पहुंचानी है, उसका इंतजाम भी हम करेंगे। देहरादून में मंगलवार को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के DLED प्रशिक्षित शिक्षकों ने सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने को लेकर शासन आदेश जारी नहीं हुआ है। 14 सितंबर को हमारे पक्ष में माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच ने निर्णय दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हम लोगों को सम्मिलित करें, जिसके लिए 28 दिन का समय दिया हुआ था, लेकिन वो समय भी पूर्ण हो चुका है और माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम संपर्क करते हैं तो अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। पुलिस फोर्स बुला करके हमको भय दिखाया जाता है और हमको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी तक सम्मिलित करने का कोई शासनादेश जारी नहीं किया है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द शासनादेश जारी करते हुए हम गरीब लोगों की पीड़ा को समझते हुए हमको भर्ती में सम्मिलित करें। राज्य के प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून के टीवी केंद्र पहुंचकर 7 साल की टीबी रोगी जोया के निक्षय मित्र बनते हुए उसे गोद लिया और उन्हें मासिक पोषण किट वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य के टीबी रोगियों में से 80% द्वारा गोद लिए जाने की सहमति दी गई है। ऐसे में अब ये हम सब का दायित्व है कि हमें उन्हें रोग मुक्त करने के अभियान से जुड़ना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। 9 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा निक्षय मित्र 2.0 कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया था और इसके बाद फिर स्टेट लेवल पे गवर्नर साहब द्वारा, सीएम साहब द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो है निक्षय मित्र के तौर पे टीबी पेशेंट्स को गोद लिया गया है। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 15,000 टीबी पेशेंट्स हैं उत्तराखंड में, उसमें से लगभग 4,800 निक्षय मित्र हम लोगों ने बना दिया है। हम लोगों ने सभी विभागों से अपील की है कि जो विभाग के हेड्स हैं वो एक एक टीबी पेशेंट गोद लें और निक्षय मित्र के रूप में आगे आए। और इसी क्रम में मैंने आज जो है एक बच्ची को निक्षय मित्र के तौर पर उनको ड्राई रेशन प्रोवाइड किया है।
उधम सिंह नगर की किच्छा से भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के पैर छूते तीन पुलिसकर्मियों के वायरल वीडियो का कुमाऊं डीआईजी ने संज्ञान लेते हुए तीनों पुलिसकर्मियों का पिथौरागढ़ तबादला कर दिया है। राजेश शुक्ला का ये वीडियो 13 अक्टूबर का है। इस दिन राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर कई जगहों पर केक काटा गया। जो वीडियो वायरल हुआ है वो राजेश शुक्ला के किच्छा कार्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मंगलवार को चंबा के एक निजी होटल में सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी और नगरपालिका अध्यक्ष सुमन रामबोला भी मौजूद रहे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हेवलवाणी गढ़वाली भाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में लोक गायिका मीना राणा, वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन रौतेला समेत कई लोग मौजूद रहे। बेरीनाग पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। थाना अध्यक्ष हेमचंद्र तिवारी ने बताया कि 6 टैक्सी ट्रक कार चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया और गिरफ्तार करते हुए वाहन को सीज कर दिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार जनपद में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अब तक थाना बेरीनाग में 6 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर 6 वाहनों को सीज किया गया है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। एवं मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और करना चाहता हूं कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल वगैरह दे रहे हैं, ये अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल वगैरह न दें। और समस्त जनता से अपील करता हूं कि वाहन चलाते समय, दुपहिया वाहन चलाते समय दोनों सवारियां हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। और आगामी दीपावली त्यौहार आ रहा है, इस संबंध में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपना वाहन चलाएं एवं नशे में बिल्कुल वाहन न चलाएं। वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग तहसील की चाय ने एक अलग ही पहचान बना ली है। आपको बता दें कि वाराणसी में आयोजित वर्तमान में जीआई महोत्सव में 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लोग अपने उत्पाद लेकर महोत्सव में प्रतिभाग करने आए हैं, जिनमें से उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ बेरीनाग की चाय ने अलग ही पहचान बनाई है। ये जानकारी देते हुए चाय बगान के ओनर विनोद कार्की ने कहा कि जीआई महोत्सव वाराणसी में 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पिथौरागढ़ जिले की चाय ने अपनी अलग पहचान बना ली है। महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए उन्होंने उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद किया। वहीं विनोद कार्की ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के तहसील बेरीनाग की चाय का स्टॉल व बटर ट्री का स्टॉल भी वाराणसी में लगाया गया है। वाराणसी में हम लोग आए हैं। यहाँ वाराणसी में जीआई महोत्सव है, जिसमें 14 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश के लोग यहाँ अपने उत्पाद लेके आए हैं। हम लोग उत्तराखंड से बेरीनाग की चाय लेके यहाँ आए हैं और जिसकी यहाँ काफी धूम मची हुई है। काफ़ी लोग हैं इस चाय को पसंद कर रहे हैं। बेरीनाग की जो चाय है, लंदन के वेयर हाउसेस में ये चाय जाती थी। आज इस चाय को हम विश्व पटल में फिर से दोबारा ला रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपनी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार को कि जीआई महोत्सव के माध्यम से बेरीनाग चाय को एक नई पहचान मिल रही है। और आज हमें बड़ी खुशी हुई कि वाराणसी जैसी जगह पर लोगों ने बेरीनाग चाय को बहुत पसंद किया है।